इन्होंने दारा सिंह की गर्दन काटी और वो अपने फादर के पास ले गए थाली में। दोस्तों जो आप सामने दीवार देख रहे हैं ये कोई मामूली दीवार नहीं है, इसकी वजह से जाने कितने कत्ल हुए और ना जाने कितने राजाओं को अपना राजपाट खोना पड़ा। हिंदुस्तान के सबसे बड़े किले की सौंदर्यता भी इसी दीवार की वजह से खत्म हो गई। तो दोस्तों आज इस दीवार से रहस्य का पर्दा उठाएंगे, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। अच्छा आप पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है दिलदार सिंह। दिलदार सिंह क्या बात है। अच्छा थोड़ा सा इसके हिस्ट्री बताइएगा कि जो दीवार है ये क्यों बनी और कब बनाई गई। ये शाहजहां जब अपने बड़े लड़के दारा सिंह को यहाँ का राजा बनाना चाहते थे। अच्छा अच्छा। 1658 में जी, क्योंकि वो थोड़े बुजुर्ग हो गए थे, बीमार रहते थे, उन्होंने अपने बड़े लड़के दारा सिंह को बोला कि अब तुम गद्दी संभालो। अच्छा अच्छा। वो बहुत पढ़े लिखे थे, पब्लिक भी उनको लाइक करती थी, उसके फादर भी उसको लाइक करते थे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया पब्लिक को कि मेरा बड़ा लड़का अब यहाँ की गद्दी संभालेगा। अच्छा, मतलब दारा सिंह को। दारा सिंह को। ठीक, ठीक। बहुत बुद्धिमान थे, इंटेलेक्चुअल थे और लिबरल पॉलिसी थी उनकी। अच्छा अच्छा। और उन्होंने रामायण महाभारत उपनिषद गीता अलग अलग भाषाओं में लिखी। अच्छा अच्छा। वो इनके जो तीसरे लड़के थे औरंगजेब, वो पसंद नहीं था उनको। अच्छा। वो थोड़े फैनेटिक थे। बिल्कुल हाँ। और वो इस्लामीकरण करना चाहते थे इंडिया में। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने अपने फादर को बोला या तो मुझे बनाओ या मेरी आंखों से दूर हो जाओ। अच्छा। तो उनके फादर ने शाहजहां ने बोला नहीं, मैं अपने बड़े लड़के दारा सिंह को ही यहाँ का गद्दी दूंगा। अच्छा, बादशाहतपुरी आ गई। हाँ। तो उन्होंने औरंगजेब ने अपने फादर को गिरफ्तार किया और उनको 8 साल जेल में डाल दिया, 1658 से 1666 तक 8 साल वो जेल रहे, वही सड़ सड़ के मरे जेल के अंदर ही। जी जी। हमारे हिस्ट्री में बताया जाता है वो चांदी सोने का जेल था, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। जेल तो जेल ही होता है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद इन्होंने अपने बड़े भाई को पकड़ा दारा सिंह को। अच्छा। हाथी में घुमाया चांदनी चौक में। अच्छा, गंदे अच्छा। हाथी में। अच्छा। उसके बाद उसकी गर्दन उड़ा दी इन्होंने। अच्छा, दारा सिंह को। दारा सिंह की। उसके बाद इनके और दो भाई थे मुराद सुजात, उनको भी मार दिया गया। अच्छा अच्छा। मतलब उनको भी औरंगजेब ने मारा। औरंगजेब ने मार दिया या मरवा दिया, एक ही बात है। अच्छा अच्छा। क्योंकि ऑर्डर उसी का चलता था। जी जी। और ये इन्होंने दारा सिंह की गर्दन काटी और वो अपने फादर के पास ले गए थाली में। अच्छा अच्छा। और उनको बताया कि देखिए गिफ्ट लाया हूँ आपके लिए उपहार, ये आपके लिए। अच्छा। आप इन्हीं को राजा बनाना चाहते थे ना, ये अच्छा, आपके लिए अच्छा, गिफ्ट अच्छा। है पर्दे में ढक के जी, वो जी। थाली के ऊपर जी। और ये उनको जिससे झटका लगे। अच्छा अच्छा। शाहजहां जी को। हाँ मतलब बिल्कुल अमूमन सी बात है कि जब वो शाहजहां उनको बनाना चाहते थे और उन्हीं का असर औरंगजेब ने उनके सामने पहुंचा दिया, उनके सामने थाली में ले जाके खराब तो लगा। अच्छा, हाँ, उनको दिया। फिर बताइएगा इसके बाद। तो उसके बाद ये इन्होंने ये दीवार ढकवा दी क्योंकि शाहजहां के टाइम में सब नजर आता था चांदनी चौक तक। अच्छा अच्छा। चांदनी चौक में एक नहर थी जी, जिसको स्वर्ग से निकली धारा बोलते हैं। अच्छा। उर्दू में उसका नाम है नहरे बहिष्ट। नहरे बहिष्ट। अंदर भी थी बाहर भी थी। अच्छा अच्छा। मगर वो औरंगजेब ने बंद करा दी और ये पहाड़ी पत्थर लगा के ढक दिया गया। अच्छा अच्छा। शाहजहां ने अपने जेल से लिखा है कि मेरे लड़के ने मेरे किले को घूंघट से ढक दिया। अच्छा अच्छा। तो ये घूंघट को इसी को बोलते हैं जो पहाड़ी पत्थर की बनाई गई है, अलग है इसका आर्किटेक्चर। ये सैंड स्टोन है राजस्थान का। अच्छा अच्छा। और अच्छा। ये पहाड़ का पत्थर है, पहाड़ी पत्थर है। अच्छा अच्छा। ये बताइएगा जैसे किले के कितने साल बाद यहाँ पर बनने के बाद ये दीवार बनाई गई होगी लमसम। जब उन्होंने अपने फादर को पकड़ लिया उसके बाद इन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा। 1658 के बाद ही। अच्छा सर ये बताइए कि अभी इसके ऊपर हम लोग जा सकते हैं। नहीं, इसमें अभी सिक्योरिटी की वजह से मना कर दिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो दीवार है इसी दीवार में अभी हमारे जो प्रधानमंत्री वहीं से भाषण देते हैं 15 अगस्त को। अच्छा, 21 अक्टूबर और 26 जनवरी। अच्छा दोस्तों वहाँ पर जो आप ये जगह देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पीएम खड़े होते हैं और ये जो इसके आसपास जगह बनी हुई है यहाँ पर बताइएगा। यहाँ पे इनके मिनिस्टर अच्छा डिप्लोमेट्स ये बैठते हैं जी, और पब्लिक लोग उस तरफ बाहर की तरफ बैठती है। दूसरा यहाँ गेट बना हुआ था। अच्छा, उसमें अच्छा। खिड़की थी छोटी सी जिसमें झुक के जाना पड़ता था। अच्छा अच्छा। माने आप सीधा इन्हीं नहीं चल सकते। अच्छा। वो दरवाजा था, वो दरवाजा लेके चले गए जी जी। वो जो आपके ये भरतपुर के राजा थे जाट राजा के राजा, हाँ वो उठा के ले गए। अच्छा, ये पूरा दरवाजा लेके पूरा दरवाजा ले गए। अच्छा चलिए ठीक है। जो एरिया है सब ये जो देख रहे हैं यही खाली औरंगजेब ने बनाया, बाकी जो हिस्टोरियन अच्छा, अच्छा। के हिसाब से जी, ये बिल्डिंग है शाहजहां जी के टाइम में बनी है। अच्छा, 1639 से 1648। चलिए बहुत 9 साल 3 महीना जी। हिस्ट्री इतिहासकारों के हिसाब से। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर आपको ये दीवार जिस तरीके से लगी हुई है पसंद आई हो या तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को हम यहीं पर करते हैं समाप्त, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।